तो गाइस वेलकम बैक टू ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल। और गाइस आज का वीडियो जियोफाई यूजर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी जियोफाई की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा, जिसका नाम है कनेक्ट टू अ वैलिड जियोफाई कनेक्शन। गाइस ये ऑप्शन अगर डिसेबल हो जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम का 100% जो है सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताऊँगा, फटाफट आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम एंड्रॉयड वर्जन 10 और कुछ और वर्जन्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ये कुछ रियलमी के फ़ोन्स में भी और कुछ और भी फ़ोन्स में देखने को मिलती है। खैर जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए तो आप इसे कैसे फिक्स करें, देख सकते हैं मेरे पास जो है एंड्रॉयड 10 ये है। और अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जा करके थोड़ा नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल करें आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप मैनेजमेंट, ठीक है, और अलग अलग नाम से भी हो सकता है, ऐप्स के नाम से हो सकता है। तो इसमें जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट में नहीं जाना है, यहाँ पर जाना है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में जाना है। यहाँ पर SMS ऐप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ोन वाला सिलेक्ट है, इसको आप जियो कॉल पर सिलेक्ट कर दें ताकि आपका SMS जो इनिशियल प्रोसेस होता है वो जियो कॉल के माध्यम से हो सके, और इसीलिए ये डिसेबल भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रियोरिटी देता है, ठीक है, ताकि ये फ्रॉड से बचा जा सके। अभी यहाँ पर ये जियो कॉल एप्लीकेशन का आपको जाना है ऐप इन्फो में, यहाँ डायरेक्टली देखिए मैं चला गया। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं पाते हैं, कुछ एंड्रॉयड वर्जन्स में ऑप्शन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है सेटिंग में जा करके और यहाँ पर आप फिर से जाएँ ऐप मैनेजमेंट में। ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर ऐप लिस्ट आपको दिखेगी, जिसमें आपके सारे इंस्टॉल्ड APK दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड करना है जियो कॉल एप्लीकेशन, बहुत ईजिली फाइंड कर लेंगे, ये देखिए जियो कॉल एप्लीकेशन है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप फोर्स स्टॉप ज़रूर करें ताकि वो प्रॉब्लम आपका फिक्स हो सके, और इसके बाद यहाँ पर क्लियर कैश करें। गाइस क्लियर डेटा मत कीजिएगा, अदरवाइज पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर रिस्टार्ट कर सकते हैं आप, लेकिन बिना रिस्टार्ट करे भी आपका काम बन सकता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन पूरी तरीके से इनेबल हो चुका है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है 100%, और ये एक इसका प्रोसेस है। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको रजिस्टर करने के लिए ओके किया है, और यहाँ पर मेरा ये मैसेज भी आ चुका है, आपके रजिस्टर नंबर पर ये मैसेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा मेरा मैसेज, और इसमें OTP होता है आपका, तो ये प्रोसेस आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं अपना OTP जो है वो एंटर कर देता हूँ, इतना करने के बाद जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन अभी पूरी तरीके से रेडी है यूज करने के लिए। आप अपना आराम से SMS कीजिए, कॉल कीजिए, सब कुछ वर्क करेगा। और अब ऊपर से हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ऑनलाइन का नोटिफिकेशन स्टेटस भी चालू हो गया है। गाइस ऐसे ही मैं एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड सॉल्यूशंस लेकर आता रहता हूं, जिन्हें आप इजीली खुद से फिक्स कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए आप गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपना सवाल पूछिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए ऑनलाइन टेक स्टडी यूट्यूब चैनल।